हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ एमकॉम सेम वन बिजनेस रिसर्च मेथड के यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे एग्जाम के अंदर मीन मीडियन एंड मोड के सब हमें देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के सब मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अब यहाँ पे मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैनल आपकी काफी हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे आज जो मैं सम सॉल्व कराने वाला हूँ, इस टाइप का सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 में आ चुका है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। तो मैं आ जाता हूं आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर जो सम सॉल्व कराने वाला हूं। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व कराने वाला। लास्ट जो 2022 के अंदर एग्जाम हुई थी हमारी एमकॉम सेमेस्टर 1 की, सेम उसी टाइप का सम आया था जो कि हमारी एग्जाम हुई थी आई थिंक मार्च 2022 में हमारी जो एग्जाम हुई थी, सेम उसी पैटर्न का सम सॉल्व कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान से पहले सम को समझना होगा, बिकॉज ऑफ एमकॉम है इसलिए ध्यान से आपको सम समझना होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपका एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो कुछ भी समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, सो बी केयरफुली ध्यान से समझिएगा। तो देखते यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 है मार्च 2022 के अंदर इस टाइप का सम आ चुका है। आप चाहें तो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सम डाउनलोड कर सकते हो और इस टाइप के सम की प्रैक्टिस कर सकते हैं होमवर्क में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सम दिया हुआ, दैट मींस क्लास है 0 से लेकर 50 तक। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी गुजराती में कहेंगे आवृत्ति 15 से लेकर 0 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सम को कट कॉपी पेस्ट करना है जैसा कि मैंने यहां पर किया है। आई होप अभी आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। यस, क्लास आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। न्यू कॉलम आपको रेडी करना है एक्स आई का, जिसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू और हिंदी में कहेंगे मध्य कीमत। तो क्या करना है एक्स आई की, यहां पर तो जीरो के साथ कोई क्लास है नहीं ना, तो कट कॉपी पेस्ट कर दो जीरो, बिकॉज ऑफ इसके साथ कोई क्लास होती ना तो मैं प्लस करके डिवाइड करता, बट कोई क्लास नहीं है तो कट कॉपी पेस्ट। ये 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। अब यहाँ पे दो क्लास हो गई, 4 और 7। क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना है। मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता ही रहा हूँ 4 प्लस 7। अब मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, कितने फिगर का ऐड किया आपने, सर हमने 2 फिगर का ऐड किया 4 और 7, दोनों का ऐड कितना हो चुका है 11। इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5.5। तो यहाँ पर 4 to 7 की क्लास की एक्स आई कितना हो गया 5.5। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करो, 7 प्लस 12 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9.5। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आपको ऐड करना है 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32। 32 डिवाइड में 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 16। 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड में 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 25। एंड लास्ट में 30 प्लस 50 कितना हो गया 80। 80 डिवाइड में 2 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 40। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। इतना होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना है मीन, मीन यानी कि मध्यक। तो यहाँ पर मीन को मैं इंडिकेट करूंगा एक्स वार के द्वारा। सो एक्स वार का फॉर्मूला यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। आई होप आप समझ गए। यहाँ पे मैं राइट करके बता देता हूँ, हम सॉल्व कर रहे हैं मीन और गुजराती में कहेंगे मध्यक, राइट ना। अभी आपको चेकआउट करना है, क्या आपके पास एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है क्या? यस सर, हमारे पास एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है पर वैल्यू नहीं है। बट अभी देखो आपके पास एफ आई की वैल्यू भी मिल चुकी है, एक्स आई की वैल्यू मिल चुकी है। अभी क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 15 × 0 हो गया 0। किसी भी फिगर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो आंसर ऑलवेज 0 ही आता है, ध्यान रखिएगा। 25 × 1 25, 30 × 2 60, 20 × 3 60 एंड 40 × 5.5। सो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में करके बता देता हूँ, 5.5 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, इंटू सिर्फ आपको करना है 40। आपका आंसर हो चुका है यहाँ पर 220। अब आपके पास कैलसी, आप कैलसी का यूज कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे 60 × 9.5
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5710 23 into 16, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 368 17 into 25, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 425 0 into 40। स्टार्टिंग में समझा दिया तुमने, किसी भी फिगर का मल्टीप्लाई जीरो से करने पर आंसर ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 into 40 कितना हो जाएगा, जीरो। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी आपको क्या करना है, टोटल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल कर दीजिए एफ आई एक्स आई का। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। जब आप एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1728। और यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट भी किसकी थी, सर एफ आई एक्स आई की, यस। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 1728 अपॉन में एन। एन कहाँ दिया है, एग्जैक्टली आपको एन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमारा एफ आई है ना यही एड का रोल प्ले करता है। क्या करना है आपको, इन सभी को ऐड कर देना है। कैलकुलेटर आप ऐड कर दीजिएगा, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एड। जो आप सभी का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 230। आप चाहें तो एन ना लिखना चाहें तो उसके प्लेस पर सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे एन लिखो या फिर सिग्मा एफ आई लिखो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इस रिगार्डिंग मैंने 1 से 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, आप हमारी एम कॉम सेम वन की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहां पे आपको मीन मीडियन मोड के और भी सम देखने को मिलेंगे। सो आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो सभी के सभी सम प्रैक्टिस करके जाना है आपको। सो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी आ गई, 230। सो आपको कट कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, 1728 को डिवाइड करना है 230 से। जब आप 1728 को डिवाइड करेंगे 230 से, सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7.51। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। जैसे ही आपका आंसर आए तो आप बना सकते हैं यहाँ पर मेलोडी चॉकलेट, डेट मीन्स आपको याद रहे ये मेरा आंसर आ चुका है। सो उम्मीद करता हूँ कि मीन मैंने यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया है आपको समझ में आ चुका है। अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी, बिकॉज ऑफ अभी हमें सॉल्व करना है मीडियन। सो यहाँ पर मैं सेकेंड फॉर्मूला राइट कर देता हूँ मीडियन का। फॉर्मूला भी बहुत आसान है, बार बार आप सम की प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन को हम गुजराती में कहेंगे मध्यस्थ। आप सभी लोगों को पता है एक वीडियो को बनाने में मैक्सिमम 2 to 4 hours चले जाते हैं, 2 to 4 hours चले जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने मोबाइल के ग्रुप्स में सभी के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुँच सकूँ और मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूँ। सो अब हम सीखने वाले हैं मीडियन, ध्यान से देखिएगा। मीडियन को सॉल्व करने से पहले हमें मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बार बार सम की प्रैक्टिस करेंगे ना ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। मीडियन को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम के द्वारा, एंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। आई होप आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। अब देख लेते हैं इस टाइप के सम को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। जब भी आप मीडियन का सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक कॉलम रेडी करना है सीएफआई का, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफआई हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीएफआई हम सॉल्व करेंगे एफआई की हेल्प से। यहां पे एफआई वाला कॉलम तो ऑलरेडी पहले से दिया था ना, पहली वैल्यू को आपको कट कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा था वैसा का वैसे ही आपको कॉपी करना है। अब और भी आसान हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू के अंदर आपको सेकेंड वैल्यू ऐड करना है, 15 में आपको ऐड करना है 25, कितना हो जाएगा सर 40, 40 में ऐड करना है आपको 30, 70, 70 में ऐड करना है आपको 20, 90, 90 में ऐड करना है आपको 40, 130, 130 में ऐड करना है आपको 60, 190, एक कदम आगे जाना है आपको, 190 में ऐड करना है आपको 23, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 213, 213 में आपको ऐड करना है 17, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 230, एंड 230 में आपको ऐड करना है जीरो। किसी भी फिगर के साथ में जीरो ऐड करने पर भी आंसर वही आएगा, 230 प्लस जीरो। सो यहाँ पे भी आपका लास्ट आंसर भी क्या आ जाएगा, 230। सीएफआई का टोटल नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैश। सो यहाँ पे मैंने सीएफआई वाला कॉलम कैसे सॉल्व किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, मीडियन को सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपका काम है एन अपॉन टू की वैल्यू को ढूंढना है। अब एन अपॉन टू कैसे मिलेगा, एन तो आपके पास ऑलरेडी दिया ही हुआ था, सिर्फ यहाँ पे साइड में जाके कहीं पे भी आपको सॉल्व कर देना है एन अपॉन टू। एन हमारे पास कितना था सर 230,
जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अपॉन में 2। 230 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करोगे तो भी इजीली आपको आंसर आ सकता है, बिकॉज अगर अपॉन में 2 आ गया ना, दिए हुए फिगर का हाफ कर दो, 230 का हाफ कितना होता है सर, 150। सो यहाँ पे आपको मिल चुका है n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, 150। अभी आपको क्या करना है, 115 को CFI में चेक करना है, कहाँ पे हमें 115 मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहला आंसर क्या था, 15 में नहीं है, 40 में नहीं है, 70 में नहीं, 90 में नहीं, यानी कि 130 में हमें क्या मिल जाएगा, 115। तो उसके सामने वाली क्लास को आपको सिलेक्ट कर देना है, 130 के सामने की क्लास कौन सी है, 427। अब इन दोनों के अंदर से दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है, छोटी कीमत कौन सी है सर, 4। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है एल, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट ना। इसी क्लास के सामने 130 के ऊपर जो वैल्यू दी गई है उसे हम बोलते हैं CFI। आई होप आप समझ गए। इसी क्लास के अंदर सामने ही जो आपके FI दिया हुआ है, जो आपने क्लास सेलेक्ट किया था उसी के सामने जो आपका FI दिया गया है वो आपका हो चुका है F। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आपको क्या करना है, ओनली वैल्यू को सेटअप करना है। देख लेते हैं क्या आपको L की वैल्यू मिल चुकी है, यस सर, 4 और 7 में लोअर वैल्यू किसकी थी, 4 की, तो 4 हमारा कौन था, L, तो L के प्लेस पे आप राइट कर दीजिए 4, राइट ना, प्लस n अपॉन टू आपने सॉल्व किया, कितना सॉल्व किया था, 115, राइट कर दीजिए 115, माइनस CF भी आपने देख लिया, 130 के ऊपर का जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, ऊपर की आवृत्ति कितनी, 90, तो यहाँ पे आपको मिल चुका है CFI कितना आ चुका है, 90, अपॉन में F कितना था हमारे पास, 40, यहाँ पे राइट कर दीजिए 40, इंटू सी मीन्स होता है क्लास, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का अपने को सर, 4 और 7 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 4 + 3 कितना होता है 7, या फिर 7 में से 4 चला गया, डिफरेंस कितना आ चुका है 3 का, सो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि वैल्यू को कैसे सेटअप किया गया। अभी क्या करना है, ओनली बहुत ही आसान हो गया, ओनली कट कॉपी पेस्ट करना है, 4 + 115 में से आपको लेस करना है 19, 115 में से 90 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 25 अपॉन में 40 एजिट रहेगा इनटू 3। आई होप यहाँ तक आप समझ गए, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, 4 + 25 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75 अपॉन में 40, बहुत आसान हो चुका है, 4 + 75 को 40 से डिवाइड करना है, सो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 75 डिवाइड में 40, सो आपका आंसर आ चुका है 1.87। अब देखो तीसरा पॉइंट 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो आप चाहे तो एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, 1.875 लिखा है ना, आप चाहे तो इसे 1.88 लिख सकते हैं, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.88, 4 में 1.88 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5.88, और ये हो चुका है आपका आंसर। जैसे ही आंसर आवे आप मस्त मजा की जोरदार बना सकते हैं मेलोडी चॉकलेट। सो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका मीन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है 7.51, मीडियन वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है 5.88। अभी हम देख लेते हैं इन दोनों की हेल्प से हमें मिल जाएगा मोड, मोड यानी जिसे हम गुजराती में कहते हैं बहुलक, मोड को हम इंडिकेट करते जेड के द्वारा, हम सीखने जा रहे हैं मोड, गुजराती में कहेंगे इसे हम बहुलक। हमारा लेक्चर हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों ही लैंग्वेज के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, सो आप चाहें तो इस वीडियो को सभी लोगों के बीच में शेयरिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। देखते हैं मोड को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं मोड की दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा मोड की डिटेल दी गई है, एक फॉर्मूला होता है इरेगुलर और सेकेंड फॉर्मूला होता है रेगुलर फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें चेकआउट करना होगा कि यहाँ पे जो सम दिया गया है वो इरेगुलर है या फिर रेगुलर है। अब इरेगुलर और रेगुलर क्या होता है वो भी अभी आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अगर हमारे पास क्लास की जो डिटेल दी गई, दैट मीन जो क्लास दिया गया है, अगर वहां पे सभी की साइज इक्वल नहीं है तो आपको जेड का ये फॉर्मूला यूज करना है, जेड इज इक्वल टू 3m - 2x1। अगर वहां पर फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स क्लास का जो साइज है वो सेम दिया गया हुआ, इक्वल दिया गया है, तो आपको जेड का ये लॉन्ग फॉर्मूला यूज करना होगा, जेड इज इक्वल टू L + FM - F1 अपॉन में 2FM - F1 - F2 इनटू C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि हमारा जो सम है वो इरेगुलर में आता है या फिर रेगुलर में आता है।
देख लेते यहाँ पे हमारे सम के अंदर क्या दिया हुआ था। सो ये हमारी क्लास थी, आपने देखा था हमारी क्लास के अंदर जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 to 7, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस कितने का, सर यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। यहाँ पे 7 to 12, यहाँ पे डिफरेंस 5 का दिया हुआ है। यहाँ पे 12 to 20, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस 8 का दिया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे क्लास की साइज इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, आप समझ गए होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, क्लास लेंथ इज नॉट इक्वल सो जेड इज इक्वल टू 3m-2xy इज यूज। यहाँ पे क्लास की लेंथ इक्वल नहीं है इसलिए जेड के लॉन्ग फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, जेड का जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है उसे हमें यूज करना होगा। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है बिकॉज ऑफ क्लास की लेंथ इक्वल नहीं है। अगर क्लास की लेंथ इक्वल होती तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, बट यहाँ पे क्लास की लेंथ इक्वल नहीं है सो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 3m-2xy। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जेड के शॉर्ट फॉर्मूला का क्यों यूज हो रहा है आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जेड का फॉर्मूला लिख देना है और मोड को हम गुजराती में कहेंगे बहुलक, जेड इज इक्वल टू 3m-2xy, राइट ना। अभी बहुत आसान हो गया, कट कॉपी पेस्ट करना है 3 into m। क्या आपके पास m है, m मीन्स मीडियन है क्या, यस सर, 5.88 राइट कर दीजिए, -2 into xy। xy का मतलब क्या था सर, xy मतलब होता है हमारा मीन, क्या आपके पास मीन है क्या, यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही सॉल्व किया था, कितना है आपके पास 7.51 राइट कर दीजिए 7.51। अभी तो आपके पास क्या है, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 3 into 5.88 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17.61 एंड 2 into 7.51 करेंगे सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 15.02। अभी क्या करना है, 17.61 में से 15.02 लेस कर देना है सो आपका आंसर आ जाएगा 2.59। जैसे ही आपका आंसर आए, मस्त मजा की जोरदार आप क्या बना सकते हैं, मेलोडी चॉकलेट, जिससे आपको पता चले आपका आंसर हाईलाइट हो चुका है बिकॉज ऑफ आंसर को आपको हाईलाइट करना है। फिर भी एक बार मैं कैलकुलेटर में बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, 3 into 5.88 सो आप यहाँ पे अभी आपको कंप्लीटली दिखेगा, यस 3 into 5.88 देखो 17.64 आ रहा है। आई होप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 61 की जगह आपको लिखना है 64, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 64 एंड 2 into 7.51 आपका आंसर आ जाए एग्जैक्टली 15.02। क्या करना है आपको, 17.64-15.02 आपका आंसर आ चुका है 2.62 सो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 2.62। एक दो पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं आता, फिर भी हो सके तो एकदम राइट टू राइट आपको आंसर लिखना होगा। सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है मीन, मीडियन एंड मोड। उम्मीद करता हूँ कि तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके हैं, बट अभी भी पिक्चर बाकी बिकॉज ऑफ मार्च 2022 के अंदर यहाँ पे आपसे पूछा गया था डिसाइल 7 भी आपको सॉल्व करना है। सो डिसाइल 7 कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी एक बार मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ही आसान फॉर्मूला, इसी के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा। सो ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा पहले तो फॉर्मूला पूरा का पूरा, जिस तरीके से आपने मीडियन सॉल्व किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको डिसाइल सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिसाइल को हम इंडिकेट करते हैं डी से, कौन सा डिसाइल सॉल्व करना है सर, हमें डिसाइल सॉल्व करना है डिसाइल 7 सॉल्व करना है। सो आपको यहां पे राइट करना होगा D7 राइट ना, जिस तरीके से आपने मीडियन सॉल्व करने के लिए n/2 निकाला था, सेम यहां पे आपको निकालना होगा n/10 बिकॉज ऑफ डिसाइल की वैल्यू 10 होती है, इसलिए यहां पे आ चुका है 10। अब कौन सा डिसाइल सॉल्व कर रहे हैं, D7, इसलिए आपको यहाँ पे राइट करना होगा 7। अगर D3 होता तो आपको यहाँ पे राइट करना होता 3। एग्जैक्टली आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए 7 राइट किया, क्या आपके पास n की वैल्यू है, यस सर, हमने n सॉल्व किया था जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना था 230, सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 230/10, तो कट कॉपी पेस्ट ही रहेगा जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है, 7 जैसा था वैसे का वैसे ही 230 को 10 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 23 into 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
161। जिस तरीके से आपने मीडियन के अंदर CFI की वैल्यू को चेक किया था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 161 को कहाँ पे चेक करने जाना है, CFI के अंदर। देख लेते हैं यहाँ पे 161 कहाँ पे मिलेगा। 50 में तो मिलेगा नहीं, 40 भी नहीं है, 70 भी नहीं, 90 भी नहीं, 130 भी नहीं, यस 190 हमें मिल जाएगा। सो आप इस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, आप राउंड भी कर सकते हैं पेंसिल से। इसके सामने वाली क्लास आप सिलेक्ट कर दें, 190 के सामने कौन सी क्लास आपको दिख रही है, 7 to 12। तो ये क्लास हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, किसके लिए, डिसाइड के लिए। अब 7 and 12 के अंदर लोअर वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, सर 7। सो यहाँ पे आपको L की वैल्यू मिल चुकी है, L कितना आ चुका है, 7। इसके सामने की जो आवृत्ति देगी, सामने जो फ्रिक्वेंसी है, ये हमारा क्या है, F है। इसके सामने जो आपने क्लास सिलेक्ट की थी 190 के ऊपर की आवृत्ति कौन सी, सर 130। सो ये हो गया आपका CFI। उम्मीद करता हूं कि यहां तक पूरी की पूरी डिटेल समझ में आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जिस तरीके से आपने मीडियन का फॉर्मूला यूज किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से हम डिसाइल का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सिर्फ वहां पर n अपॉन 2 था, यहां पे n अपॉन 10 आएगा। सो देख लेते हैं यहां पर फॉर्मूला, D7 इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 की जगह पे सिर्फ क्या हो गया, n अपॉन 10 माइनस CFI अपॉन में F ब्रैकेट क्लोज इन टू सी। पर ध्यान रखिएगा कौन सा डिसाइल था, 7th डिसाइल था, इसलिए यहां पे साथ में क्या आएगा, 7 आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अभी क्या करना है, वैल्यू को सेटअप करना है। क्या आपके पास L है, यस सर। 7 और 12 में लोअर वैल्यू कौन सी थी, 7। तो L की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहां पर, 7 प्लस 7n/10। तो आपने सोल्व किया है, 7n/10 कितना आ चुका है आपका, 161। तो आप यहां पे राइट कर दीजिए 161 माइनस CFI। CFI आपका कितना आ चुका है, ये रहा 190 के ऊपर वाला, 130। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 130 अपॉन में F कितना था हमारे पास, 60। सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 60 इन टू सी। सी मीन्स डिफरेंस, 7 टू 12 के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, सर 5 का डिफरेंस। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 5 आगे, तो आपको आ ही जाएगा 7 प्लस 161 माइनस 130 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 31 अपॉन में 60 इंटू 5। कैलकुलेटर यूज कीजिए यहां पर, 7 प्लस 31 इंटू 5 यहां पे आपको दिखाई देगा, 31 इंटू 5 कितना हो गया, 155। सो आप राइट कर दीजिए 155 डिवाइड में कितना आएगा, 60। कैलकुलेटर यूज कीजिए यहां पर, 7 प्लस 155 डिवाइड में 60। सो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 2.58। सो आप राइट कर दीजिए 2.58, दोनों को प्लस करेंगे सो आपका आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 यानी कि 9.58। और ये आ चुका है आपका D7। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। जैसे ही आंसर आया मस्त मजा की जोरदार क्या बंद कर सकते हैं, मेलोडी चॉकलेट, दैट मीन्स आप अपने आंसर को हाईलाइट कर देते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे चारों के चार फॉर्मूले आपने समझ लिए होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ी सी ये डिटेल देना चाहता हूं कि जो मार्च 2022 के अंदर आया था वहां पे क्या डिफरेंस था, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे देखो यहाँ पे दोनों की दोनों क्लास सेम है, यानी कि एंडिंग और स्टार्टिंग, ये दोनों की दोनों सेम है। अगर ये दोनों की दोनों सेम नहीं होते ना, तो आपको 0.5 लेस करना होता है और 0.5 प्लस करना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस रिगार्डिंग मैंने एक दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, आप हमारे पुराने वीडियो चेकआउट करेंगे ना, वहां पर ये चीज मैंने डिटेल में समझा दी है। तो 2022 के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा था 4 to 7 एंड 7 to 12, राइट ना, बाई चांस एग्जाम में ऐसा लिख के आए 4 to 7 और 8 to 12। ये देखो अब ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 0.5 प्लस माइनस करना होगा। 8 में से 0.5 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5, और 7 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। ये देखो ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है मार्च 2022 के अंदर, इस टाइप का सम आया हुआ, उसे आपको ध्यान रखना होगा। अब एंड में आपको बता देता हूं, आप चाहे तो अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आपको मीडियन का आंसर मिला था
5.88, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मीडियन की क्लास हमने कौन सी सिलेक्ट की थी, 4 to 7। तो देखिए 4 to 7 के बीच में क्या 5.88 आएगा? यस सर, सो आपका आंसर राइट है। सिमिलरली आप चाहें तो डिसाइल का आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब देखो डिसाइल का आंसर कितना आया हुआ था, 9.58, और डिसाइल के लिए आपने कौन सी सिलेक्ट, डिसाइल के लिए आपने कौन सी क्लास सिलेक्ट की थी, 7 to 12। क्या 7 to 12 के बीच में 9.58 आ सकता है? यस सर आ सकता है। सो आपका आंसर राइट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपने एंड तक देखा होगा और मीन मीडियन मोड और डिसाइल के सम को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।